नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह से ही मैंग्रोव को बचाने के लिए यहां पर एक आंदोलन किया गया था। आंदोलन करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ इराकी साहब। इन्होंने जो है आज सुबह से ही आंदोलन किया था, मगर इतने टाइम जो है ये आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनको क्या आश्वासन मिला है। सर, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? माननीय तहसीलदार साहब के तरफ से अपने सर्कल तलाटे अपना सर्कल आए, उन्होंने मतलब एक डेलीगेशन दिए है कि आप अपना डेलीगेशन मेरे को दे दो तहसीलदार साहब की तरफ से, और उसके दो दिन के अंदर हम आपको टाइम देंगे। वो टाइम के अंदर आपको हम हमारे तहसीलदार साहब के यहाँ मीटिंग कराएंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन के इश्यूज पे लेके, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो वहाँ डिस्कस करके, जो भी लीगल एक्शन अगर लेने लायक है तो ये लेंगे। तो हमने इनको अपना डेलीगेशन दे दिए, इन्होंने रिसीव करके दे दिए। दो दिन का इन्होंने हमसे मोहलत मांगे कि हम उनको तहसीलदार साहब के साथ सामने बैठा के हमारे जो भी मांगे हैं पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये थे आरिफ इराकी साहब, और हमारे साथ यहाँ के तलाटी जो है कासर साहब मौजूद हैं। उनसे भी हम जानते हैं आखिर इन्होंने इनको किस तरह का आश्वासन दिया जो इन्होंने आज ही अपना जो है बेमुद्दत आंदोलन खत्म कर दिया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने क्या आश्वासन दिया है इनको? कुछ नहीं, मैंने जो इन्होंने अभी आंदोलन किया है उस हिसाब से मैं हमारे तहसीलदार सर है चौधरी पटेल सर, उनके साथ इनका पूरा डेलीगेशन की एक मीटिंग रखेंगे अगले दो दिन के अंदर, और उसके बाद वो मीटिंग में जो डिसीजन होगा उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। सर, जो मैंग्रोव है इसको कोर्ट का ऑर्डर है कि इसे नष्ट नहीं कर सकते, उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मैंग्रोव को जो है नष्ट किया गया है, तो इसके ऊपर आप लोग भी कुछ एक्शन लेंगे? वही वरिष्ठ लेवल से जो भी हमें आदेश आएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। अभी परसों जो या दो दिन में जो मीटिंग होगा उसके बाद ही हम लोग आगे का कुछ बता सकते हैं आपको। और आपको इसके बारे में पहले जानकारी थी कि वहाँ पर इस तरह का मैंग्रोव जो है नष्ट किया जा रहा है? मुझे आरिफ इराकी ने जब से कार्रवाई के बारे में जो भी मुझसे पत्र व्यवहार किया है उसके ऊपर हमने कार्रवाई किया हुआ है, और उसका जो आगे का है जो डिसीजन मेकिंग में अभी है वो ये दो दिन में जो मीटिंग होगा उसमें पता चल जाएगा अपने को। तो सिर्फ ये आश्वासन एक आश्वासन बनकर ही रहेगा या जिन लोगों ने मैंग्रोव पर कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं? आज मैं आपको बता नहीं सकता, जो मीटिंग होगा उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, उसके पहले तो मुझे बोलने की कुछ जरूरत भी नहीं। बता सकते हैं कि जो मीटिंग की बात कर रहे हैं आप, ये मीटिंग कब तक होगी? हमने तो दो दिन बोला है, उसके पहले भी हो सकता है। तहसीलदार सर से मैं कल सुबह मिलूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा कब होगा वो। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि मैंग्रोव को नष्ट करने को लेकर इनका जो है आंदोलन आज खत्म करा दिया गया है, लेकिन इनको आश्वासन दिया गया है कि जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ दो दिन बाद मीटिंग ली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।